ब्रेक्सिट हो रहा है, ब्रेक्सिट हो चुका है, ब्रेक्सिट के बाद क्या होगा, आखिर ब्रेक्सिट है क्या? डोंट वरी, हम आपको समझाएंगे सो यू नो एवरीथिंग अबाउट ब्रेक्सिट। जनवरी 2020 बरतानिया के रात 11 बजे बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकल गया और इसका मेंबर नहीं रहा। और ये इसलिए हुआ कि जून 2016 में होने वाले एक रेफरेंडम में 52% बरतानवी आवाम ने यूरोपीय यूनियन से निकलने के हक में वोट डाला, जबकि 48% ने इसमें रहने के हक में वोट डाला। दिस इज कॉल्ड ब्रेक्सिट। आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि यूरोपीय यूनियन क्या है और बरतानिया इसमें से निकलना क्यों चाहता था। यूरोपीय यूनियन 28 ममालिक का सियासी और माशी इतिहाद है, जिसके तहत ये 28 ममालिक बगैर किसी रोक टोक और फीस के आजादाना तजारत कर सकते हैं और इनके शहरी बगैर वीजे और वर्क परमिट के काम भी कर सकते हैं। तो इतने फायदों के बावजूद बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकलना क्यों चाहता है? वेल, इन फवायद के साथ कुछ शराइत भी हैं, जैसे कि बरतानिया या कोई भी यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क अपनी शराइत और अपनी मर्जी से किसी तीसरे मुल्क के साथ तजारत नहीं कर सकता। तो अब क्या बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तमाम ताल्लुकात खत्म हो गए? जी नहीं, अब तक यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान मुस्तकबिल के तजारती ताल्लुकात से मुतालिक कोई डील नहीं हो पाई है, इसलिए दोनों के पास 31 दिसंबर 2020 तक का वक्त है, जिसे ट्रांजिशन पीरियड कहा गया है। इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान दोनों तिजारत और कानून से मुतालिक मामला तय कर पाएंगे। इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान बरतानिया और यूरोपीय यूनियन आजादाना तिजारत कर पाएंगे और इनके शहरी 28 ममालिक में बगैर वीजे के ट्रैवल कर सकते हैं और बगैर वर्क परमिट के काम भी कर सकते हैं, जबकि इस दौरान बरतानिया ईयू के बजट में अपने हिस्से की अदायगी भी करता रहेगा। तो फिर बदलेगा क्या? वेल, सबसे पहले बरतानिया के पासपोर्ट का रंग, जो लाल से दोबारा नीला हो जाएगा। इसके अलावा बरतानिया यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहेगा और इसके 73 अरकान अपने नशस्त खो देंगे और इस ट्रांजिशन के बाद बरतानिया अपनी शराइत पर दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ तिजारत कर पाएगा। Well, this was all about Brexit.